जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। जकरियाह अध्याय 10। यहोवा से बरसात के अंत में वर्षा मांगो, अर्थात यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और एक एक के खेत में हरियाली उपजाएगा, क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन्हें और बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा, और उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खुंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से प्रधान, सब के सब प्रकट होंगे, और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच की नाई रौंदते हो, और वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी, और मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे जो उन पर दया आई इस कारण उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे कि मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए उनकी सुन लूंगा और प्रेमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है, और यह देखकर उनके लड़के बाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सिटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे, और मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा, और वे दूर दूर के देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनकी सी समाय न होगी, और वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा, और अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा, और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा, और मैं उन्हें यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।